So, hello viewers, we are back with our one new success story of Avesh. Avesh has finally passed part 3 of enrolled agent examination. So, Avesh, मुझे बस आप पहले ये बताओ आप कैसा फील कर रहे हो इस टाइम पे? जी सर, बता तो नहीं सकता लेकिन फील ऐसा कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, बयान नहीं कर सकता लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक गुजराती मीडियम स्टूडेंट, पूरे जिंदगी गुजराती मीडियम में पढ़ाई की, अच्छा, और इंग्लिश मीडियम की एग्जाम दी, वो भी इंटरनेशनल, तो वो फीलिंग ही कुछ अलग हो सकती है। आप गुजराती और सर अभी भी बीकॉम अभी मैंने क्लियर किया है। अच्छा जी जी सर, क्या क्या बात है यार आवेश, क्या बात है, सो वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर। तो आप मुझे ये बताओ अपनी पहले थोड़ी ओवरऑल जर्नी शेयर करो कि कैसी जर्नी रही आपकी पार्ट 3 की प्रिपरेशन की, किस तरह आपने तैयारी की एग्जाम की, ताकि बाकी व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनरोल्ड एजेंट का, उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। जी सर, मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि पार्ट 3 प्रिपरेशन एक तरह से इजी भी है और एक तरह से आप हार्ड भी कह सकते हो। इजी इसलिए कि चैप्टर बहुत कम है, लेक्चर भी कम सुनने पड़ते हैं इसमें, शायद 7 चैप्टर के ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स के लेक्चर है शायद, और LMS भी एग्जाम बहुत इजी रहता है। और मैं यूं कहना चाहूंगा कि 2 महीने में भी आप चाहो तो पार्ट 3 क्लियर कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। और पार्ट 3 के प्रिपरेशन में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। हम प्रैक्टिस एग्जाम, मेन एग्जाम जो सर हम देते तो हमें वो MCQ याद नहीं करने, बहुत अच्छा पॉइंट, मगर याद कर लेंगे ना तो भले हमारा 90 अब भी स्कोर आएगा लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए। हमें MCQ को ऐसा समझना है कि वो MCQ सच्चा है, यस है तो यस क्यों, नो है तो नो क्यों है। हमें MCQ का अंडरस्टैंड पहले ही करना है। और सर के लेक्चर मैं कहता हूँ, सब स्टूडेंट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी करते हैं कि एक बार लेक्चर सुनते हैं फिर लेक्चर नहीं सुनते और प्रिपरेशन खुद की करने लगते हैं। मैं कहता हूँ लेक्चर ज्यादा सुनो आप, क्योंकि सर के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में बहुत काम आते हैं, क्योंकि सर जो लेक्चर में एग्जाम्पल बोलते हैं, क्योंकि आप कहोगे कि ऑलमोस्ट जैसे सेम टू सेम एग्जाम के क्वेश्चन तो नहीं पूछाएंगे जो हमारे LMS में, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज तो वही होती है। अगर सर के एग्जाम्पल, हम एक टॉपिक को क्या समझते हैं, अगर वो हमने समझ लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या गोल घुमा के आएगा। अब हमें समझना है कि ये क्या कहना चाहता है। अगर हमने लेक्चर सुने होंगे, एक एक टॉपिक का हमको पूरा क्रक्स पता होगा, तो हम शायद एग्जाम में इजी हमको पड़ेगा। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा तो 4 ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन तो पता चल जाते थे ये गलत है, लेकिन जो 2 MCQ दो ए और बी या जो भी थे 2 ऑप्शन, उसमें ज्यादा मैं कंफ्यूज होता था कि ये क्या ये क्या है। तो एजुकेशनल गेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें MCQ याद नहीं करना, हमें MCQ समझने हैं। पूरी बुक को मैं कहना चाहूंगा कि आप 3 बार प्रिपरेशन करें, 3 बार, एक बार बुक रीड करी, प्रैक्टिस एग्जाम दो, फिर मेन एग्जाम दो, ऐसे 7 यूनिट फिनिश हो जाए, फिर दूसरी बार करो और तीसरी बार करो, ऐसे 3 बार आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। कुछ ऐसे ही नहीं क्लियर हो जाएगा, आपने मेहनत की है, आपने चीजों को समझा है, इसलिए आपने क्लियर किया है, मेहनत, तो ये चीज आपको फील होगी, कुछ लेवल है उस एग्जामिनेशन का, तभी वो US का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम आराम से हो जाएंगे, नहीं, बट जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स बनानी है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करनी है, अपना पूरा पोटेंशियल डालना है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अब मुझे ये बताओ कि लेक्चर्स कितना ज्यादा ओवर हेल्प करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में, और अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि लेक्चर्स है, उससे क्या हेल्प होती है, क्योंकि US का जो अपना अलग लैंग्वेज है, थोड़ा उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है इंग्लिश की थोड़ी, बट जैसे सर पढ़ाते हैं, शम्मी सर अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे एग्जांपल्स दें, और लेक्चर्स का क्या रोल रहा और LMS का क्या रोल रहता है जहां पे आप MCQ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक हमें सेटबैक तो देता ही है ना, क्योंकि सिनेरियो कैसा होगा एग्जाम में, क्योंकि आज जाके हमें MCQ ही परफॉर्म करने हैं 100 MCQ। जी तो मुझे ये बताओ क्या रोल रहा लेक्चर्स का आपकी प्रिपरेशन है हमारे लिए, ओके।
लेक्चर्स का तो मैंने 3 बार लेक्चर्स देखे, वो जो मैंने मतलब लेक्चर्स मैंने 3 बार देखे, मतलब पहली बार एक बार लेक्चर देखा, 1.1 देखा और फिर उसका 1.1 की एग्जाम दे देने की, ऐसे करके 1.7 तक पहला चैप्टर फिनिश हो गया, प्रैक्टिस एग्जाम पूरा, फिर पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेना है, फिर आप मेन एग्जाम दे दो अंदर एलएमएस के अंदर, ऐसे करके 7 यूनिट फिनिश कर दी। फिर दूसरी बार मैंने शुरू किया, मैं क्या अभी एवरेज स्टूडेंट था मैं, अब कुछ स्टूडेंट है एक बार भी समझ लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना ज्यादा जरूरी है इसमें। एग्जैक्टली, मतलब ये चीज आपने समझ ली होगी कि ये एग्जामिनेशन, जैसे आप कह रहे हैं आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप गुजराती मीडियम से, स्टिल यू क्रैक इट। अब इसमें ये चीज व्यूअर्स को जरूर हेल्प करेगी कि एक मोटिवेशन की सेंस जनरेट होगी कि फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन यू गिव टू द कोर्स, राइट? तो योर एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट। आप मुझे ये बताओ कि एनवायरमेंट कैसा रहता है जब आप एग्जाम देने जाते हो अंदर, और क्या एनवायरमेंट होता है, क्या फीलिंग होती है? लास्ट में तो सर 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था, बुक ओपन की ऐसा लग रहा है ये कुछ याद ही नहीं है, ऐसा डर हर एक स्टूडेंट को आता है, भले उसने प्रिपरेशन कितनी भी की हो, लेकिन वो एग्जाम के फियर में आगे पीछे होता है, लेकिन घबराना नहीं है। वो सर आपने जो लास्ट में मेरे साथ जूम मीटिंग की थी उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला था कि लास्ट में ऐसी सिचुएशन होती है, तब पता चला कि सबकी ऐसी सिचुएशन होती रहती है, लेकिन मैंने लास्ट में बुक को ज्यादा प्रीफर किया। मैंने पहले देखो एग्जाम के 6 दिन पहले मैंने मॉक टू दिया, फिर आपको रिजल्ट मैंने सेंड किया, फिर मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सर के जो है एलएमएस में वो दिए, क्योंकि उससे मुझे वो एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उसमें पूरे क्वेश्चन पूरे अलग टाइप के, तो वो क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को करने जाओ, उससे एक्सपीरियंस आपको ये मिलेगा कि आप टॉपिक को क्या समझते हो, तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका एग्जाम का रिजल्ट प्रीफर कर सकता है। अगर आपने एमसीक्यू 1 से 7 याद कर लिए तो आप एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में अगर आपने 1 से 7 कंप्लीट किया है तो एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में कोई मुश्किल नहीं होगी, और मेरा 84 रिजल्ट आया था एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में। अच्छा, और फिर जी, और फिर लास्ट में जो 4 दिन बचे उसमें 2 दिन मैंने एमसीक्यू के, वो हिस्ट्री हमारे होती है एलएमएस में, तो सारे चैप्टर रीड करूँ, एमसीक्यू देखता जाऊँ, फिर लास्ट 2 दिन बचे वो 2 दिन में मैंने 5 से 6 बार मेरी बुक को मैंने रीड कर लिया। ठीक है। और इसके बाद फिर एग्जाम के आधे घंटे पहले मैंने पूरी बुक ओपन की और 1 से 7 चैप्टर एकदम स्पीड में घुमाता गया, ऊपर ऊपर देखता गया, और भी 12:30 बजे एग्जाम देने चला गया। ठीक है, बढ़िया। आपने रिजल्ट उसी टाइम देखा था अपना, क्योंकि वहां पे देखा आपने पास आया है, उसी टाइम रिजल्ट देखा? जी जी। तो क्या फील हुआ उस टाइम पे? डर तो लग रहा होगा रिजल्ट देखने के पहले। जी, एग्जाम जैसे अंदर सेंटर में गया तो वहां तो पूरा अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है उन लोगों का, सब लॉकर भी देते हैं वहां पे और अपना सामान रख सकते हैं वहां, सिर्फ आप अपना पासपोर्ट ले जा सकते हो और कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो और रूमाल भी आप नहीं ले जा सकते। वहां से फिर अंदर गया, उन्होंने मुझे सब चेकिंग किया, पासपोर्ट चेक किया, फिर मुझे मेरी सीट दे दी, फिर वहां मुझे हेडफोन दिया, हेडफोन कान में डाल लिया, तो हेडफोन कान में डाला था तो ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि वो आवाज एकदम कान में आ रही थी। अच्छा, और फिर एग्जाम दे रहा था तो ज्यादा फियर होता, लेकिन 1 से 50 क्वेश्चन कुछ लोगों के इजी आते और कुछ लोगों के हार्ड भी आते, मेरे 1 से 50 बहुत इजी आए थे, मतलब उसमें से मैंने शायद 10 ही फ्लैग किए होंगे और बाकी के तो इजी मुझे लगे, वो तो मैंने 1.25 घंटे में पूरा फिनिश कर दिया। मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट को कि आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट दो, क्योंकि एग्जाम 210 मिनट की होती है 3.5 घंटे की, और क्वेश्चन होते 100, मतलब आप 2 मिनट दोगे फिर भी आपकी 10 मिनट फिर भी बचेगी, आप 2 मिनट दो, और जो क्वेश्चन में आपको 10% भी डाउट होता है, सिर्फ 10%, फिर भी आप उसे फ्लैग करो। फ्लैग करने से मेरे को ये बेनिफिट मिला कि मैं पास हुआ, अगर मैंने फ्लैग ना किया उस क्वेश्चन में तो मैं शायद फेल होता। इसके लिए मैं स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आप ईच क्वेश्चन में 10% भी आपको डाउट लगता है तो आप फ्लैग करो। फिर मैंने देता गया 150 तो मेरा हो गया, फिर मैंने 15 मिनट का जो ब्रेक आता है वो सब स्टूडेंट लेते, मैंने ब्रेक लिया, लेकिन मुझे लगा कि ब्रेक मैं ज्यादा लूंगा तो मेरा फियर बढ़ जाएगा, तो मैंने सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर मैं फिर से ज्वाइन हो गया। फिर मैंने 50 से 100 जो क्वेश्चन थे वो तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन थे सब, पूरा यहाँ से वहां, और कुछ टॉपिक तो ऐसे थे कि मतलब पहला चैप्टर 7वां चैप्टर ये सब चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन आते थे, मतलब आपको एजुकेशनल बेसिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
कि अब ये टॉपिक का यहाँ से आंसर क्या आएगा. एग्जैक्टली exactly. पर आपने वहां पे डटे रहे उन 50 क्वेश्चंस में जो मेरी आपसे बात हुई थी. मुझे पता है आपने वही स्ट्रेटजी फॉलो भी की होगी है, तभी आप डटे रहे इसलिए आपने एग्जाम निकाल लिया. तो वही चीज है, वहां पे डटे रहना है. आप मुझे ये बताओ कि जैसे सर लेक्चर्स लेते हैं टाइम टू टाइम, जैसे आपको जरूरत होती है, जैसे आपने मेरे को रिजल्ट भेजा, मैंने भी आपसे बात की, जैसे सर भी अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स की मेंटरिंग के लिए, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहो AKPIS के बारे में. जी सर बिल्कुल, सर का तो मुझे रिस्पांस अच्छी तरह से मिलता रहा है, मैम का मिला है, आपका मिला, ऊपर से सामने से रिस्पांस आता है, सामने से पूछते थे कि आपका क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, मैं मेल डाला सर का रिप्लाई भी अच्छा आता था, और जब भी मैंने बात की है मुझे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि यार रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपको बात करते भी आना चाहिए ना. अब सर को तो पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट है, लेकिन मैंने जब तक रिप्लाई, मैंने जब भी मैसेज किया मुझे मेरा हर एक डाउट सॉल्व मेरा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. आपका भी सामने से रिप्लाई आया था जूम मीटिंग का, मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे साथ जूम मीटिंग में बात करोगे, पहले मुख देने के बाद वो अच्छा हुआ कि उससे बात हुई तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ. बढ़िया 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 जी सर. तो इफ यू हैव टू रेट AKPIS आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करोगे? 10 of 10 1100 भी दे सकता हूँ 10 के अंदर से. Thank you so much, Avesh, join karne ke liye. Thank you so much. We wish you all the best. Welcome. Bye.